हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सिंह रोज, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर, और मेरे साथ हैं पवन गुप्ता सर, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। ठीक है, आज हम लोग लेके आए हैं गुरु नीति फॉर जेई का एपिसोड 27। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक करंट इक्वेशन गिवन है, I1 cos ओमेगा टी और I2 sin ओमेगा टी, और इसमें आपको करंट के लिए RMS वैल्यू बताना है। तो जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ऐसी एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू बताना सीखते हैं इसमें। तो RMS वैल्यू के लिए हमारे पास बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, IRMS इज, देखो सबसे पहले रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो पहले करंट का स्क्वायर करें, फिर मीन करें, एंड फिर इसका स्क्वायर रूट कर दें, यही होता है कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम इक्वेशन अगर देखें तो हमारे पास जो करंट है वो दो करंट का एडिशन है। तो यहाँ पे I1 cos omega t plus I2 sin omega t, इस पूरे का स्क्वायर करके मुझे एवरेज करना है। ओके, देन इसके बाद जब मैं इस होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला से ओपन करूंगा तो यहाँ आएगा I1 स्क्वायर cos स्क्वायर omega t, I2 स्क्वायर sin स्क्वायर omega t, एंड देन 2 I1 I2 cos omega t sin omega t। अब हमें इस पूरे फंक्शन का एवरेज लेना है। तो इस केस में सबसे पहले जब आपको पूरे फंक्शन का एवरेज लेना है तो उसके हर टर्म का अलग अलग आप एवरेज लें। तो I1 स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट है तो एवरेज किसका आएगा, केवल cos स्क्वायर omega t का। फिर I2 स्क्वायर sin स्क्वायर omega t का एवरेज, फिर I1 I2 as it is, और 2 sin omega t cos omega t, इसको मैं ले सकता हूँ sin 2 omega t का एवरेज। तो इस तरह से आपको एवरेज बताना है और ये स्क्वायर रूल पूरे पे चल रहा है। अब देखो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का पूरे फंक्शन का एवरेज कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा I1 स्क्वायर 1/2, एंड इधर से आ जाएगा I2 स्क्वायर, और इधर भी कितना हो जाएगा मेरे पास हाफ, और ये हो जाएगा I1 I2। और साइन की सिंगल पावर का एवरेज फुल साइकिल में कितना होता है, 0। तो ये टर्म का एवरेज बन जाएगा I1 I2 और इधर 0। तो फाइनली मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय 2। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय cos स्क्वायर एवरेज बाय 2। तो फाइनली अपना आंसर क्या कौन सा बन जाएगा, दिस इसमें सर, ओके दिस थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन में भी रूट 2 हो जाएगा ना, रूट 2, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ओके बच्चों, तो ये सिंपल सा कांसेप्ट था और इस कांसेप्ट पर अपना आंसर आ चुका है। ओके सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये एक LCR सर्किट की बात कर रहा है। LCR सर्किट में L के ऊपर वोल्टेज VL की बात कर रहा है और कैपेसिटर पे VC और रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो VR से। तो वोल्टेज ऑफ सोर्स विल बी, तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक कॉइल हम लिया, इसके बाद में ये सीरीज में कैपेसिटर और ये हमारा एक रेजिस्टेंस है R, और ये C, इसके साथ में हमने ये एक वी वोल्ट का सोर्स कनेक्ट किया है। तो देखो LCR सर्किट है तो यहां पर अपन क्या फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर सपोज दैट I है तो VR जो रहेगा वो I के साथ सेम फेज में रहेगा, ठीक है, और जो L के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप VL जो रहेगा वो करंट से लीड करेगा π/2, मतलब π/2 फेज में आगे रहेगा, और VC जो रहेगा वो π/2 फेज में पीछे रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो ये दोनों ठीक एक दूसरे के ठीक अपोजिट में हैं, इसका मतलब यहां पर इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम, सॉरी फेजर डायग्राम हम बना सकते हैं कि ये VL माइनस VC कुछ ऐसा आएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि VL जो है वो ग्रेटर देन है VC से, ठीक है, और ये इधर क्या हो जाएगा,
वी आर हो जाएगा, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो वी नेट जो रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही नेट वोल्टेज जो है वो सोर्स के वोल्टेज वी के इक्वल हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो अपना आंसर आ रहा है वो फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। बिल्कुल। नेक्स्ट, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आता है, इसमें आपको एसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम का, इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस दिया हुआ है 3 ओम, और इसमें बोला है कि द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज Z1, नाउ द कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, देन इंपेडेंस कितना होगा। तो पहले आपको एक रेजिस्टेंस गिवन है, एक बार हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेजिस्टेंस और उसके साथ एक इंडक्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस है 4 ओम और इंडक्टेंस का रिएक्टेंस आपको गिवन है 3 ओम, तो XL गिवन है यहां पर 3 ओम और ये सर्किट यहाँ पे कनेक्टेड है। तो देखो इस केस में जब R और XL दोनों होते हैं तो आपके पास जो नेट इंपेडेंस आएगा वो कैसा जाएगा, Z1 is R square plus XL square, तो ये डेटा सॉल्व करने पर आएगा आपके पास 4 square plus 3 square, this is 5, तो 5 ओम तो पहले वाले सर्किट का इंडक्टेंस सॉरी इंपेडेंस, एंड देन जो दूसरा सर्किट आपको गिवन है उसमें क्या क्या कनेक्टेड है, साथ में आपने कैपेसिटर और जोड़ दिया, बाकी दो तो पहले से, आपने कैपेसिटर और जोड़ा, तो इस केस में अब जब यहां मैं कैपेसिटर लगा चुका हूं तो अब मेरे पास इसका XC आपको कितना दिया हुआ है 6 ओम, ये एज इट इज 3 ओम और ये एज इट इज 4 ओम गिवन था, तो अब इस केस में Z2 ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC या XC माइनस XL, फिर स्क्वायर कैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे R स्क्वायर दिस XL, XL कितना है 3 माइनस 6 स्क्वायर एंड R स्क्वायर की वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो इट इज अगेन 5 ओम, तो दोनों केस में इंपेडेंस जो है वो क्या है 5 ओम आ रहा है। हाँ बस ध्यान रखना है यहाँ जो नेचर है वो इंडक्टिव है और यहाँ का नेचर सर्किट का कैसा होगा कैपेसिटिव, तो इस केस में अपने दोनों इंपेडेंस इक्वल है, अपना आंसर हो जाएगा 1:1 का रेशियो। ओके सर, ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4, इन सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस आर इज 100 वोल्टेज एंड आर इज 1 किलो ओम विद सी इज 2 माइक्रोफैरेड, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 200 रेडियन पर सेकंड, इट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस एल इज, देखो हम क्या करते हैं पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक कॉइल है L, इसके साथ ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की C जो है वो क्या है 2 माइक्रोफेरेड है और ये एक रेजिस्टेंस R, R इज इक्वल टू 1 किलो 1000 ओम रखते हैं और इसको हमने एक सोर्स से कनेक्ट कर, ठीक है। देखो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे तो XL जो है वो XC के इक्वल होता है, ठीक है, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब C और L पे जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वो भी क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर अपन नेट वोल्टेज देखें V नेट, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा डियर, R के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहां पर V R है वो V R के इक्वल रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि सोर्स का वोल्टेज जो है वो वी आर के इक्वल मान लेंगे अपन, और वी आर जो है वो आर के अक्रॉस वोल्टेज जो दे रखा है वो 100 वोल्ट दे रखा है, तो ये जो सोर्स है इस सोर्स का वोल्टेज हम क्या मान सकते हैं 100 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें करंट सपोज दैट आई करंट है, ठीक है, तो आई करंट है इस कंडीशन में, जेड जो होगा रेजोनेंस कंडीशन में वो किसके इक्वल हो जाएगा आर के इक्वल रहेगा, तो यहां से I इज इक्वल टू क्या रखेंगे आप लोग V अपॉन में Z होगा, लेकिन Z क्या हो जाएगा R हो जाएगा, तो 100 बाई R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अब हमारे को देखो L के अक्रॉस वोल्टेज से कैलकुलेट करना है, तो L के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करो चाहे से C के अक्रॉस कैलकुलेट करो, दोनों भी क्या रहेगा सेम वोल्टेज रहेगा, तो L के अक्रॉस से वोल्टेज कैलकुलेट करने में हमारे को एक दिक्कत आएगी क्योंकि L की वैल्यू हमारे को नहीं गिवन है, हमारे को C की वैल्यू गिवन है,
तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, xc कैलकुलेट कर सकते हैं। xc इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई ओमेगा इनटू c होता है, ठीक है। तो vc जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, vl के इक्वल हो जाएगा, और vc को हम क्या रख सकते हैं, करंट i इनटू xc रख सकते हैं। तो यहां से vl की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू है 0.1 इनटू xc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमारे को कितना गिवन है, 200 गिवन है, एंड c इज 2 इनटू 10 टेंस टू पावर माइनस 6 फैरेड। तो इसको आगे अगर अपन सोल्व करें तो ये 10 टेंस टू पावर ये कैंसिल हो जाएगा, इससे तो माइनस 4 बचेगा, ये माइनस 4 ऊपर आ जाएगा, तो एक पावर जो है ऊपर प्लस आई लेकिन इस पॉइंट को खा जाएगी, ठीक है। तो ये बचेगा 1000 बाई 4 बचेगा केवल। तो यहां से VC की वैल्यू जो आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 250 वोल्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो 250 हमारे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर गिवन है, ठीक है सर। चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बच्चों एक कैपेसिटर गिवन है, फुली चार्ज कैपेसिटर विद इनिशियल चार्ज क्यू नॉट इज कनेक्टेड टू ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल, ओके, और यहाँ पे कोई दूसरा सोर्स नहीं है, मतलब यहाँ पे L और C ही आपस में कनेक्टेड है। तो ये तो एक LC ऑसिलेशन वाला केस हो गया कि आपने यहाँ पर एक इंडक्टेंस के साथ इसको कनेक्ट किया, T इक्वल्स टू 0 पे इसका जो चार्ज था वो फुल इधर प्लस Q नॉट और इधर मान लेते हैं माइनस Q नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर जब LC ऑसिलेशन का केस होता है, हमें पता है चार्ज ऑसिलेट करता है और एनर्जी भी ऑसिलेट करती है, तो चार्ज की ऑसिलेशन इक्वेशन क्या बनती है, Q इज Q नॉट cos ओमेगा T, यहाँ cos का फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू 0 पे चार्ज मैक्सिमम है, ओके। तो अब इस केस में ओमेगा की जो वैल्यू होती है यहाँ पे ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा यहाँ पे होगा जो टाइम फंक्शन होता है वो होता है t इज 2 पाई रूट एल सी, सो ओमेगा यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई बाई t, दैट इज 1 अपॉन रूट एल सी। अब इस फंक्शन के हिसाब से बोल रहे हैं कि कितने टाइम बाद जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है वो इक्वली स्टोर होगी, तो इक्वली स्टोर होने का मतलब देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, तो कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इंडक्टेंस की एनर्जी उसको हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस की इनिशियल एनर्जी के बराबर। तो दिस इज यू सी इनिशियल। अब जब ये आधी आधी एनर्जी होगी, इसका मतलब ये टोटल एनर्जी आधी इसमें और आधी इसमें, तो हम ये बोल सकते हैं जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी का आधा हो चुकी, आधी एनर्जी अगर कैपेसिटर के पास है तो बची हुई आधी किसके पास होगी, इंडक्टेंस के पास। तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q square by 2C is half times of initial energy Q not square by 2C, तो इससे मेरे पास Q not की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आएगी मेरे पास Q not divided by root 2, इसका मतलब चार्ज जो है वो 1 by root 2 times होना चाहिए। तो इस केस में Q not by root 2 Q नॉट cos ओमेगा t। अब cos फंक्शन 1 by root 2 वैल्यू कब देता है, तो पहली बार बोला कि पहली बार ऐसा कब होगा, तो इसका मतलब ऐसा तब होगा जब cos फंक्शन ओमेगा t 1 by root 2 हो, इट मींस ओमेगा t की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 5 by 4, और ओमेगा की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे तो टाइम विल बी पाई बाय 4 ओमेगा, पाई बाय 4 और ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन रूट एल सी, तो ये हो जाएगा रूट एल सी ऊपर, तो आपका फाइनल आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा इस तरह से पाई बाय 4 रूट एल सी, तो इट विल बी थर्ड ऑप्शन, ओके बच्चों, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, बट फॉर एन आरएलसी सर्किट ड्रिवन विद वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड वीएम एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट is equal to 1 by root LC, the current exhibit resonance, the quality factor Q is given by, देखो resonance की condition हमारे को दी हुई है, तो resonance की condition में जो quality factor की अगर अपन बात करेंगे तो हमारे पास omega not given है, तो omega not by bandwidth हम directly formula लगाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास ओमेगा नॉट बाई बैंडविड्थ को हम क्या रख सकते हैं, आर बाई एल रख सकते हैं, तो ये एल ऊपर आ जाएगा, ओमेगा नॉट इनटू एल बाई आर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ अपने को सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7 क्वेश्चन में आपको एक सोर्स वोल्टेज के ईएमएफ की इक्वेशन गिवन है और साथ में करंट की इक्वेशन गिवन है, और इसमें आपसे पूछा है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द सर्किट। तो एवरेज पावर कंज्यूम का अपने पास एक आसान सा फॉर्मूला होता है, पावर एवरेज इज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइ। तो पहले तो इक्वेशन देख के हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फेज एंगल है वो कितना है, पाई इज पाई बाय 4। तो इस केस में हम वी आर एम एस रखेंगे वी नॉट बाय रूट 2, तो वी नॉट बाय रूट 2, दिस इज आई नॉट बाय रूट 2 एंड दिस इज कॉस 45। तो कॉस 45, अब यहाँ वी नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 100 बाय रूट 2, करंट की आरएमएस वैल्यू दिस इज आई नॉट 20 और उसमें 1 बाय रूट 2 कर दिया, देन उसके बाद कॉस 45, तो कॉस 45 1 बाय रूट 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2000 बाय 2 रूट 2 और 2 से कटेगा तो याद आएगा 1000 बाय रूट 2, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है क्वेश्चन ही। ओके बच्चों ठीक है सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई इज इक्वल टू इन ऑफ ए साइन 100 टी विद टी इज इन सेकंड गिवन द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 4 बिटवीन द ईएमएफ एंड करंट आई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल एग्जिबिट दिस। देखो हमारे पास से आरसी और आरएल सर्किट दोनों का ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, तो आई और वी के बीच में फेज डिफरेंस अपने को दे रखा है, तो फेज डिफरेंस को हम क्या रख सकते हैं, ये फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाय 4 दे रखा है, तो फाई इक्वल टू पाई बाय 4, तो 10 फाई इज इक्वल टू, अगर अपन बात करें आरएल सर्किट की तो ये हो जाएगा एक्सएल बाय आर, ठीक है, और अगर अपन बात करते हैं आरसी सर्किट की तो 10 फाई इज इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स सी बाय आर, ठीक है सर। बिल्कुल, अब देखो फाई की वैल्यू 45 दे रखी है तो 10 45 की वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगी, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि या तो एक्सएल इज इक्वल टू आर है या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू क्या है, आर है, ठीक है, तो एक्सएल को हम क्या रखेंगे, ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू आर, यहां पर क्या रखेंगे, 1 बाई ओमेगा इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं, डेटा जो है वो क्या दे रखा है हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू 100 दे रखा है, ठीक है, तो 100 और आर की वैल्यू सबके अंदर 1 किलो ओम दे रखा है, तो आर की वैल्यू 1000 रखते हैं हम यहाँ पे, तो 1000 रखेंगे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 10 आ जाएगी, ठीक है, और अगर इस ये सही है, अगर आरसी सर्किट है इसका मतलब 1 बाई ओमेगा की वैल्यू 100 इंटू सी इज इक्वल टू 1000, ठीक है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 10 टू पावर 5, इसको हम रख सकते हैं 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जो कि 10 माइक्रोफेरेड आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो अगर ये आरसी सर्किट है इसका मतलब तो c की वैल्यू रहेगी 10 माइक्रोफेरेड, और अगर ये एलसी एलआर सर्किट है, एलआर सर्किट है इसका मतलब l की वैल्यू रहेगी 10, तो आरएल सर्किट विद r 1 किलो ओम एंड 1 मिली हेनरी दे रखा है l की वैल्यू, फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 10 मिली हेनरी दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो अपना आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, थर्ड आंसर करेक्ट हो रहा है, ठीक है सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एलसी सर्किट में इंपेडेंस गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है 40 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस गिवन है 100 माइक्रोफेरेड और सोर्स वोल्टेज की इक्वेशन आपको गिवन है जिसमें ओमेगा हम देख सकते हैं और ये यहाँ पे वी नॉट पीक वैल्यू गिवन है। तो करंट इन द सर्किट, अब आपको सिंपल यहाँ पे एल और सी दोनों कंपोनेंट गिवन है, आर गिवन नहीं है, ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक्स सी कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक्स सी कितना हो जाएगा 1 बाय ओमेगा सी, तो 1 बाय ओमेगा सी के हिसाब से कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 बाय ओमेगा कितना है, दिस इज 314, तो 314 इंटू सी, सी इज 100 माइक्रो फेरेड, तो 100 माइक्रो फेरेड, तो 10^-6 यहाँ, 10^-6 यहाँ पे लिख देंगे, ओके बच्चों। अब 3
वन फोर को मैं लिख सकता हूँ 100 pi. ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास 100 pi 10^-4. फिर ये -4, ये तो -2 ऊपर जाकर के हो जाएगा 100 pi. तो 100 pi को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 31.86 अप्रोक्सीमेटली. ओके, देन उसके बाद हमारे पास एक्सेल जो सॉल्व करने पाएगा वो आएगा ओमेगा इनटू एल. ओमेगा इज अगेन 314. एल इज गिवन व्हाट, 40 mH. तो 40 × 10⁻³. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 pi 40 × 10⁻³. So it will be 4 pi 10⁻⁴ and 4 pi solve करने पे ये आएगा almost 12.56 ohm. फिर अब यहाँ पे दोनों component हम देखने x ही ज़्यादा है तो in this case x net जो है वो हम कैसे लिखेंगे, xc minus xl. तो xc minus xl solve करने पे ये 31 − 12 almost 19-20 के आसपास कुछ बनेगा. तो इसके बाद ये सॉल्व करने पाएगा 19 समथिंग अप्रोक्सीमेशन. तो अब इसके बाद जब आप करंट की इक्वेशन देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं एक्स ही डोमिनेट कर रहा है, मतलब सर्किट का नेचर कैसा होता है, कैपेसिटिव. अब कैपेसिटिव सर्किट में हमेशा करंट जो है वो वोल्टेज से लीड करता है. तो लीड करता है, वोल्टेज का फेज कितना है, साइन फंक्शन गिवन है, मतलब तो साइन के कंपैरिजन में मुझे अब एलसी सर्किट है तो या तो 90 आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है. पर चूंकि कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है इसका मतलब करंट जो है वो आगे होगा. तो आई की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फेज, और ये फेज जो है वो लीडिंग वाला, तो प्लस 90 मुझे रखना होगा. आई नॉट क्या लिखूंगा मैं, 10 डिवाइड बाय ऑलमोस्ट ये 19 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. ओके, तो इस केस में यहाँ पाई बाय 2 हमने पुट कर दिया, तो फाइनल इक्वेशन 10/19, ये 10/20 होता तो 0.5 आता, 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 0.5 से थोड़ा ज्यादा अपना ये दो ऑप्शन है. तो ये तो दोनों गलत हो गए. अब फर्स्ट और फोर्थ में इक्वेशन में फेज के हिसाब से हम देखें तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी. तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें. ये भी रॉन्ग हो जाएगा फेज देख के. तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. ओके बच्चों, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम. एन एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड वी नोट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटेंस इन सीरीज विद कैपेसिटेंस. ये देखो, ये तो ये रिपीट हो गया है बाय चांस. एंड एन इलेक्ट्रिक वाल्व ऑफ रेजिस्टेंस आर. देखो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस किसकी फॉर्म में है बेटा, ये बल्ब की फॉर्म में है. ये क्या है, बल्ब है और ये सोर्स से कनेक्टेड है. ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपन देखें करंट आई जो है, आई को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में हम रखेंगे जेड. तो जेड क्या हो जाएगा, आरसी सर्किट के लिए देखा जाए तो वी अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वन बाई ओमेगा इनटू सी का स्क्वायर. तो देखो यहां पे ओमेगा की वैल्यू जब आप इंक्रीज करेंगे, ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये जो टर्म है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. ये डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, ये डिक्रीज होगा इसका मतलब आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ब्राइटनेस क्या होनी चाहिए, करंट ज्यादा फ्लो करेगी इसका मतलब इसमें ब्राइटनेस बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, ग्लो ज्यादा होना चाहिए. इसका मतलब द बल्ब ग्लो ब्राइटर, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो बच्चों अगला 11th क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें आपको LR सीरीज सर्किट के लिए पावर फैक्टर गिवन है 0.6, CR सर्किट के लिए गिवन है 0.5. फिर बोला है कि जब इन दोनों सर्किट के एलिमेंट को हम सीरीज में लगा दें तो उस केस में जो नया सर्किट बनेगा उसका पावर फैक्टर 1 आ रहा है. तो ये बोल रहे हैं कि दोनों जो LR सर्किट और CR सर्किट है उनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा. चलो हम यहाँ पे सर्किट जो बेसिक होते हैं एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये मेरे पास R1 रेजिस्टेंस मान लेते हैं और ये L मान लेते हैं. तो इस केस में जब मैं इसको सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूँ
तो इन्होंने पावर फैक्टर cos phi मुझे दिया हुआ है 0.6, 0.6 का मतलब 3/5, ओके। अब cos phi 1 3/5 जो होता है वो 53 डिग्री एंगल को होता है, तो phi 1 हो जाएगा 53। अब इसी से मैं tan phi अगर लिखता हूं तो tan phi कितना हो जाएगा, tan 53, this is 4/3। और tan phi अगर हम इंपेडेंस ट्रायंगल यहां बना के देखें तो ये हो जाएगा मेरे पास x है, ये r, ये phi एंगल और ये z। तो इस केस में मेरे पास जो tan phi होगा that will be xl by r1, so this is 4/3। तो इससे मेरे पास xl की वैल्यू आ जाएगी 4/3 r1। ये तो मेरे पास xl r1 के टर्म्स में। अब दूसरे सर्किट की बात कर लेते हैं। दूसरे सर्किट में आपको एक RC सर्किट गिवन है और RC सर्किट के लिए इन्होंने पावर फैक्टर आपको दिया हुआ है 0.5, ओके। तो पावर फैक्टर यहां पे cos phi 2 जब मैं लिखूंगा तो cos phi 2 0.5 मींस 1/2, तो इसका मतलब phi 2 कितना आ जाएगा, 60। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो अब cos 60 डिग्री 1/2 आने से मेरे पास वापस जो tan phi 2 बनेगा, अब यहाँ पे c है ना, तो xc by r, xc by r की वैल्यू tan 60 कितना हो जाएगा, √3। तो यहां से मेरे पास xc आ जाएगा √3 r। फिर बोला कि इन दोनों सर्किट को हमने एक साथ इनके सारे एलिमेंट को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो r1 r2 l और c सारे एलिमेंट हमने कनेक्ट कर दिए, तो ये l और c। अब इस केस में जब हमने ये नया सर्किट बनाया, इसका पावर फैक्टर आपको कितना गिवन है, इसका जो नया पावर फैक्टर आपको गिवन है वो 1 गिवन है। पावर फैक्टर 1 होना रेजोनेंस की कंडीशन होती है और रेजोनेंस में x equals to xl होता है, तो ये रेजोनेंस की कंडीशन में, इस कंडीशन से हमें पता लग गया कि रेजोनेंस यहां पे एस्टैब्लिश हो चुका है, और रेजोनेंस एस्टैब्लिश हो चुका है तो उस केस में x equals to xl होना चाहिए। xl कितना था मेरे पास, 4/3 R1, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, √3 r2। तो फाइनली √3 r2, तो इससे मेरे पास r1 by r2 जो बनेगा वो बनेगा 3√3/4। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 3√3/4, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ओके सर, ठीक है सर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, a circuit element is placed in a closed box at time t is equal to 0, constant generator supply a current of 1 ampere is connected across the box, potential difference across the box varies according to graph in figure, the element in box। देखो यहाँ पर v और t के बीच में graph दे रखा है हमारे पास, ये straight line graph है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन को हम किस फॉर्म में रख सकते हैं, y is equal to mx plus c की फॉर्म में रखेंगे। तो इसका स्लोप जो है वो ये m है, m की वैल्यू क्या होगी, हम क्या करते हैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कितना हो गया, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 3। तो ये जो एंगल है थीटा मान लो, तो m is equal to हम रख सकते हैं 10 थीटा, 10 थीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। और c जो है वो इंटरसेप्शन ऑन y एक्सिस होता है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू ये फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, 1/3 × t + 1 हो जाएगा, या फिर इसको dv/dt जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर करंट जो है वो i कांस्टेंट करंट फ्लो करवाया जा रहा है। तो अगर मान लो ये एक जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मान लो कैपेसिटर है, ठीक है, सी है, तो सी के अंदर क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है, ठीक है। हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से डी क्यू बाई डी टी को क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी वी बाई डी टी हो गया, ठीक है। dv by dt की वैल्यू जो है वो इस ग्राफ से स्लोप का अपने को पता चल रहा है वो क्या है, 1/3 है, और i की वैल्यू है वो कितना, 1 एम्पियर गिवन है, 1 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू c की वैल्यू
वन बाई थ्री, तो ये क्या आ जाएगा इधर, C इज इक्वल टू 3 माइक्रो फेरेड हो जाएगा, फेरेड ओनली, सॉरी फेरेड, C इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3 इधर आ जाएगा 3 फेरेड। तो बॉक्स के अंदर क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है सर। आपको ऑप्शंस ही चेक करने हैं, ऑप्शंस चेक करने थे। अगर अपन सर आर की बात करें तो आर अगर रेजिस्टेंस होता अगर बॉक्स के अंदर तो क्या ये रिलेशन जो है वो वैलिड होता, वो नहीं होता। तो अपना जो ऑप्शन है वो केवल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो अब इस केस में अगले क्वेश्चन में आपको बोला है कि इन सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज सोर्स, कंसीडर टू केस व्हेन सी इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड दूसरे केस में सी इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कांसेप्ट क्या होता है, अगर नॉर्मल कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस हम सी नॉट माने तो जब उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर के माने तो के टाइम्स ऑफ सी नॉट। अब यहाँ के कितना दिया हुआ है 4, तो इसका मतलब यहाँ कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगा 4 टाइम्स। अब ये आरसी सर्किट है तो एक बार एक आरसी सर्किट का बेसिक हम ले लेते हैं। तो आरसी सर्किट में इस प्रकार से आपको ये सर्किट यहां बनाया हुआ है, फिर इसमें बोला है द करंट आईआर थ्रू रेजिस्टर एंड वोल्टेज वीसी अक्रॉस द कैपेसिटर आर कंपेयर्ड इन टू केस। तो एक तो हम करंट कंपेयर कर रहे हैं तो यहां रेजिस्टेंस की करंट जो है वो सर्किट की करंट की इक्वल होगी, तो इसको चाहे सर्किट की करंट बोल दो रेजिस्टेंस करंट बोल दो एक ही बात है। और साथ में जो हम कैपेसिटर पे ड्रॉप बोल रहे हैं उसको बोल रहे हैं वीसी, ओके। अब यहां पर जो फाइनल हमारे पास एक्स नॉट आएगा या एक्स वन आएगा वो कितना आएगा मेरे पास 1 अपॉन ओमेगा सी नॉट, दूसरी केस में जो एक्स टू आएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो आएगा 1 अपॉन ओमेगा 4 सी नॉट। तो यहाँ पे 4 सी नॉट, तो अगर हम एक्स वन और एक्स टू को कंपेयर करें तो कैपेसिटेंस 4 टाइम्स होने से एक्स टू 1/4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स 1/4, ओके। लेकिन रेजिस्टेंस तो उतना ही। अब यहां पर जो टोटल इंपीडेंस है Z है ना, तो Z हो जाएगा मेरे पास R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ओके। तो Z1 जो है देखो X1 जो है उसके मुकाबले X2 जो है वो X1 के मुकाबले 1/4 थे, तो इसका मतलब जो इंपीडेंस होगा Z2 वो ऑब्वियसली बात है कम होगा किससे Z1 से। Z2 अगर कम होगा इंपीडेंस अगर डिक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज हो जाता है, तो इस केस में यहाँ पे जो करंट होगा I2 वो ज्यादा होगा I1 से। तो एक बार करंट देख लेते हैं किस केस में, तो आपको करंट के लिए 2 यानी कि B केस का करंट ज्यादा गिवन है, तो ये हमारा एक तो सेकंड ऑप्शन सही होगा कि B केस का करंट A वाले केस से ज्यादा होगा। और दूसरा इन्होंने बोला है कि वोल्टेज ड्रॉप की बात कर लेते हैं। अब देखो वोल्टेज ड्रॉप में हम यहाँ देखते हैं कि जो टोटल वोल्टेज है अल्टीमेटली आर और सी दोनों मिलकर कंज्यूम करेंगे, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है सोर्स वोल्टेज स्क्वायर इज वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो यहां पर अब सोर्स वोल्टेज सेम है तो ये जो दोनों वोल्टेज है आप देखो आर और सी दोनों मिलकर कंज्यूम कर रहे हैं, अगर सी का इफेक्ट कम हो रहा है एक्स सी यहां डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जो रजिस्टेंस है ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करने लग जाएगा। तो यहाँ कैपेसिटर का इफेक्ट कम हो रहा है कैपेसिटर का अपोजिशन कम हो रहा है तो उसका वोल्टेज भी कम होगा, तो इस केस में VC जो होगा B वाले केस में वो कम होगा और A वाले केस में VC जो है वो ज्यादा होगा, ओके बच्चों। क्योंकि जितना इसका रिएक्टेंस कम होता जाएगा इसका ड्रॉप भी कम होता जाएगा, अल्टीमेटली दोनों में मिलकर वोल्टेज डिवाइड होना है, ओके ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इन गिवन सर्किट AC source is omega is equal to 100 radian per second. Consider the inductor and capacitor to be ideal. The correct choice is up. देखो यहाँ पर ideal बोला है इसका मतलब इसका जो internal resistance है वो हम zero मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहां से देखें ये voltage आपने कितना 20 volt apply किया है, तो यहां पर भी आपको 20 volt मिलेगा और यहां पर भी आपको कितना मिलेगा 20 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये जो कैपेसिटर है कैपेसिटर के लिए XC की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 1/ ओमेगा इनटू C, तो ये 1/ ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 इनटू C की वैल्यू कितनी है 100 इनटू 10^-6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर माइनस 60 जो है वो कैंसिल हो जाएगी तो बचेगी -2 ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा। XC की वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई,
ठीक है, तो ये एक्स सी जो है वो 100 हो गया। ऐसे ही अगर अपन बात करें एक्स एल की, तो एक्स एल कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा की वैल्यू 100 है, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, तो ये कितना हो जाएगा एक्स एल जो है वो 50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखो आगे चलते हैं, ये जो ब्रांच है इसके अंदर हम करंट मान लेते हैं मान लो आई वन, और ये जो ब्रांच है इसके अंदर हम करंट मान लेते हैं आई टू। ठीक है, तो आई वन जो है, आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V, जो कि 20 वोल्ट है, डिवाइड बाई इसका जो जेड है वो क्या हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, तो ये 50 है, 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, तो ये 50 रूट टू हो जाएगा, 20 बाई 50 रूट टू। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आई वन इज इक्वल टू रूट 2 बाई 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपन बात करें I2 की, तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज तो इसके ऊपर भी 20 वोल्ट है, ठीक है, और इसका जो जेड होगा वो कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमने पहले से ही कैलकुलेट करके रखी हुई है, यहाँ पे 100 आया है, तो I2 यहां से क्या आ जाएगा, ठीक है, ये 100 रूट 2 हो जाएगा, तो 20 बाई 100 रूट 2, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रूट 2 बाई 10। रूट 2 बाई 10 आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन के अगर आप अंदर देखें, तो ये जो है वो आरसी सर्किट, सॉरी आरएल सर्किट है, और ये क्या है आरसी सर्किट है। ठीक है, तो अपन एक चीज देखते हैं, आर एल सर्किट के अंदर जो करंट है, आर एल सर्किट के अंदर करंट है वो क्या है आई वन है, तो हम यहां पर ये वोल्टेज अगर माने, तो वी एल जो होता है वो करंट से क्या होता है फेज में आगे होता है। ठीक है, तो यहां पर वी है तो करंट क्या होगा इससे पीछे होगा ऐसे, तो यहां पर क्या हो जाएगा आई वन। ठीक है, और ऐसे ही अगर अपन बात करें यहां पे इसकी फेज एंगल की, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये फेज डिफरेंस जो है वो देखो इसका भी 50 है ये भी 50 है, तो tan phi इज इक्वल टू क्या होता है xl / r होता है, तो ये दोनों सेम है 1 हो जाएगा, ये 45 आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो ये क्या है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है, मतलब आरसी सर्किट हो गया, आरसी सर्किट में क्या होता है करंट वोल्टेज से फेज में आगे होता है, तो ये आगे मान लिया हमने। ठीक है, ये करंट इधर होगी I2। ठीक है, यहां पर देखो ये भी 100 है ये भी 100 है, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा 45। XC by R 1045 के इक्वल होगा, 1045 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये यहां पर 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो है I1 और I2 के बीच में कितना हो जाएगा टोटल 90 डिग्री हो गया। तो यहां से जो सर्किट है, इस सर्किट में मान लो को टोटल करंट आई है आई, तो I जो है वो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से I की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी रूट 2 बाई 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 बाई 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऊपर रख लेता हूं, I इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 बाई 25 प्लस 2 बाई 100 तो ये 100 एलसीएम आ जाएगा, ये 10 बाई 100 हो जाएगा रूट, तो ये 1 बाई रूट 10 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी 0.3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये 0.3 है। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग अपना जो है फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो रहा है, लेकिन मोर देन वन चॉइस है, तो हम क्या करते हैं दूसरे ऑप्शन जो है उनको भी हम चेक करेंगे, तो दूसरे में करंट जो है वो 0.3 इंटू रूट 2 एम्पीयर दे रखा है, ये तो गलत हो गया। अब थर्ड जो है वो चेक करते हैं अपन, तो वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस, 100 ओम रेजिस्टेंस, 100 से जो करंट पास कर रही है वो कौन सी है आई2 है ना, तो हम क्या करेंगे
वोल्टेज V अक्रॉस 100 ओम क्या हो जाएगा I2 into 100 कर देंगे। I2 की वैल्यू कितनी है रूट 2 बाई 10 इंटू 100, ये जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 10 रूट 2 वोल्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 10 रूट 2 ऑप्शन थर्ड जो है वो भी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन बात करें 50 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर, तो 50 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर 50 ओम से करंट क्या पास कर रही है, I1 पास कर रही है, तो V अक्रॉस 50 ओम क्या हो जाएगा I1 into 50, तो ये क्या हो जाएगा I1 की वैल्यू रूट 2 बाई 5 है into 50, तो ये क्या हो जाएगा 10 रूट 2 हो जाएगा, 10 रूट 2 हो जाएगा, मतलब दोनों पे पोटेंशियल ड्रॉप हुए क्या रहा है सेम आ रहा है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है केवल 10 ओम दे रखा, 10 वोल्ट दे रखा है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो अपना आंसर जो है वो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 15 क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। इसमें आपको एक इंडक्टर गिवन है 9/100 बाय हेनरी और एक रेजिस्टेंस गिवन है 12 ओम और कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 225 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट इन द फेज एंगल। तो यहां बेसिकली हमें फेज एंगल बताना है, तो इंटीजर है, तो इस केस में ये केवल फेज एंगल यहां पूछा गया है, तो दिस इज नॉट आस्क्ड। तो इस केस में फेज एंगल बताने के लिए आपको एक वापस इंपेडेंस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो इस केस में इंपेडेंस ट्रायंगल के हिसाब से देखो कौन कौन है, एक तो L है और एक कौन है आपके पास R है। तो इस केस में X, L, R और ये हो जाएगा मेरे पास phi। तो फेज एंगल बताने के लिए मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज कर सकता हूँ, tan phi is XL by R। तो XL कितना हो जाएगा इस केस में ओमेगा L और R R हो जाएगा मेरे पास ये। तो अब यहाँ वैल्यू डालते हैं, तो XL अब यहाँ फ्रिक्वेंसी जो आपको गिवन है 50 हर्ट्ज एसी सोर्स की बात की गई है, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ एल डिवाइड बाय आर। सो 2 पाई फ्रिक्वेंसी 50, तो दिस इज 100 पाई। L इज व्हाट, L इज 9/100 पाई एंड डिवाइड बाय R इज व्हाट 12। तो 100 पाई टू 100 पाई कैंसिल आउट, दिस इज व्हाट 9/12 means 3/4, so 3/4 is this 10 phi, 10 phi 3/4 के इक्वल का होता है, जब phi की वैल्यू डिग्री में कितना 37, तो phi will be 37 degree, this is your final phase angle answer। okay बच्चों, तो ये आपका आंसर यहाँ पर आता है, ठीक है सर। next question number 16 पे चलते हैं। in an electric circuit, the applied AC EMF is given by E is equal to 100 sine 314 T volt and current flowing through is this, then the impedance of the circuit is in ohm। तो देखो अगर अपन बात करें Z की, तो Z क्या हो जाएगा V naught upon में I naught हम direct लिख सकते हैं। तो I V naught कितना दे रखा है हमारे पास, V naught की value दे रखी है 100 और I naught current की maximum value कितनी है यहाँ पे 1 दे रखी है, तो 1 इसका मतलब 100 ओम इसका इंपेडेंस हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा था क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में देखो आपको करंट की इक्वेशन गिवन है और ये वेरिएबल करंट है, यहाँ पे करंट टाइम की सिंगल पावर पे डिपेंडेंसी गिवन है, द मीन स्क्वायर करंट फॉर द टाइम इंटरवल 0 टू k सेकंड। ओके, तो हमारे पास हमें देखो यहाँ पे RMS वैल्यू बताना है, यहाँ पे केवल मीन स्क्वायर वैल्यू बताना है, मतलब केवल स्क्वायर करके मीन लेना है, हमें उसका एवरेज नहीं करना है। तो अल्टीमेटली हम जो मीन स्क्वायर वैल्यू लिखेंगे IMS, इसमें सबसे पहले करंट का स्क्वायर करेंगे और उसका मीन लेंगे, यही हुआ इसका मतलब। तो करंट का स्क्वायर करके मीन लेना, अब मुझे I स्क्वायर का एवरेज वैल्यू बतानी है। अब एवरेज वैल्यू जो है बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट होता है, उससे अगर हम जैसे मान लो कोई भी बेसिक y और x में कोई ग्राफ बनता है और इसका अगर आपको एवरेज बताना है, तो y एवरेज आप कैसे बताते हैं बच्चों, y डॉट dx अपॉन dx, ये होता है एवरेज का कंसेप्ट। तो इस केस में मुझे यहाँ पे करंट का स्क्वायर का एवरेज बताना है, तो मेरे पास ये हो जाएगा I स्क्वायर डॉट dt अपॉन dt। ओके, यहाँ y का एवरेज था तो y का इंटीग्रेशन किया, यहाँ मैं I स्क्वायर का एवरेज बता रहा, तो I स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसके रिलेटिव, t के रिलेटिव, क्योंकि करंट t पे डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पे तो ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट, अब इसमें मैं करंट की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा I
नॉट, ये आई नॉट है यहाँ पे, तो आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर डॉट डी टी एंड देन डी टी। तो इसी इंटीग्रेशन को हम इधर सॉल्व कर देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पाते हैं। तो इस केस में जो हमारे पास इंटीग्रेशन बचेगा यहाँ पे, वो इंटीग्रेशन किस तरह से हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर को हम बाहर लेते हैं, के स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री जीरो टू की, एंड यहां पर भी आ जाएगा जीरो टू की। तो फाइनली आएगा मेरे पास आई नॉट स्क्वायर थ्री के स्क्वायर के क्यूब बाई, इधर भी के, तो फाइनली के खत्म। तो मेरे पास जो मीन स्क्वायर वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आई नॉट स्क्वायर बाई थ्री। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, आई नॉट स्क्वायर बाई एन था, तो एन की जगह क्या आ रहा है हमारे पास, थ्री आ रहा है, तो ये आपके पास इंटीजर वैल्यू आ जाएगी थ्री। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज Vt इज इक्वल टू 220 साइन ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू जो है हमारे पास 100 पाई दे रखी है, प्योरली रेजिस्टेंस लोडेड ऑफ 100 ओम, द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू पीक वैल्यू इन मिलीज n इज n, n इज इन मिलीसेकंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10n की वैल्यू अपने को बताना है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो हम यहां पर पहले v को हम रख लेते हैं, v = 220 sin 100 pi t गिवन है, ठीक है। तो देखो r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है, तो i जो है r के अंदर केवल लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसका मतलब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v नॉट अपॉन में r रखेंगे, और सेम फेज में करंट रहेगा, इसका मतलब sin 100 pi into t हो जाएगा। तो v नॉट 220 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.4 रखेंगे, sin 100 pi into t हो गया, i इज इक्वल टू ये हो, या फिर इसको हम सिंपली 4.4 से अपने को कोई मतलब नहीं है, ये आई नोट मानते हैं हम, और साइन 100 पाई टी हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि टी वन टाइम पे, तो सपोज दैट टी इज इक्वल टू टी वन टाइम पे इसकी जो करंट की वैल्यू जो है वो क्या है, आई नोट बाई टू है, अपने को पीक की हाफ ऑफ पीक से पीक तक का कितना टाइम लगा उस वो टाइम कैलकुलेट करना, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे t1, कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, i नॉट by 2 is equal to i नॉट sin 100 pi into t1 हो जाएगा। तो ये i नॉट से i नॉट कैंसिल हो गया, देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 by 2, मतलब ये pi by 6 रखेंगे किसके इक्वल, 100 pi t1, 100 pi T1 किसके इक्वल रहेगा, पाई बाई 6 के, पाई से पाई कैंसिल कर दो, T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/600, मतलब 1/600 सेकंड पे जो करंट की वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड वैल्यू की हाफ है। अब हम बात करते हैं यहां से, देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 पाई गिवन है, तो यहां से T जो है टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, 2π/ω हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है तो 2π/100 इंटू पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/50 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कंप्लीट साइकिल का ड्यूरेशन आ गया हमारे पास, तो I नोट I इज इक्वल टू I नोट किस टाइम पे होता है, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो T इज इक्वल टू T2 टाइम पे होगा और वो हो जाएगा T by 4, तो T by 4, तो ये क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू, T की वैल्यू 1/50 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 1/200, ठीक है। तो ये T2 टाइम आ गया, T1 टाइम हमारे पास ये आ गया, अपने को डेल्टी कैलकुलेट करना है, I नोट बाई 2 से I नोट तक जाने में टाइम लगा डेल्टी, वो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है। तो T2 कितना है, 1/200 माइनस 1/600,
ठीक है, तो 600 LCM ले लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 1, ये 2/600 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/300 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये इसको 10 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देते हैं, तो ये 10^3 हो गई, ऊपर चला जाएगा ये, तो 10^3 × 10^-3 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे मिली सेकेंड से, तो ये कितना हो गया 3.3 मिली सेकेंड। ठीक है, तो 3.3 मिली सेकेंड में आया, तो इसको हम ये वैल्यू बोल रहे हैं एन, 10n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा 33 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीजर टाइप का अपना क्वेश्चन था और ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। चलिए तो बच्चों, तो बच्चों यहाँ तक हमारे जो 27th जो पार्ट था इसका गुरुनीति का वो पूरा होता है, जिसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कंसेप्ट सीखे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी इसको एंजॉय किया होगा और काफ़ी लर्निंग आपको यहाँ से मिली होगी। तो ये अपने इसी तरह से कंसेप्ट को रिवाइज करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।